जय जिनेंद्र दोस्तों, अंजू की रसोड़े में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप गाजर का हलवा खाते खाते बोर हो गए होंगे, तो मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी गाजर की मिठाई जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 5 गाजर बड़े बड़े ले लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रेड कलर के हैं, और मैंने उसको छील के ऐसे छोटे छोटे से इसके कट कर लिए हैं। मैं इसमें एक बाउल भर के पानी डाल के इसको गैस में रख देती हूँ, जब तक ये अच्छे से उबल ना जाए। मैंने गैस पे इसको उबालने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट में अच्छे से उबल जाएंगे। तो गाजर के स्लाइड अच्छे से पक चुके हैं, इसे हाथ से दबा के देख लेते हैं। दोस्तों, ये अच्छे से पक चुके हैं, अब इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। दोस्तों, इसके पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि ये अभी काम आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कितने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है, कितना प्यारा कलर आया है। दोस्तों, जो गाजर का पानी बचा था लगभग वो आधा बाउल भर के हैं। मैंने इसमें मैं 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। दोस्तों, इसको हमेशा हिलाते रहना अच्छे से, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गिल्टी नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, मैंने इस पीसे हुए गाजर को एक पैन में रख दिया है, और उसमें मैं 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। आप चाहें तो और भी मीठा कर सकते हैं, लेकिन ये गाजर रहती है ऑलरेडी मीठी रहती है, इसीलिए मैंने 4 चम्मच डाल दिया है। और मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ। दोस्तों, इसे अच्छे से चलाते रहिए। दोस्तों, अब इसमें ये सैलरी डालेंगे, और इसे आराम से बिल्कुल हाथ से हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें रहेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। देखिए दोस्तों, इसमें थिकनेस आने लगी है, इसे 5 से 7 मिनट और चलाते हैं। इसे लगातार दोस्तों चलाते रहना, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। दोस्तों, गाजर की प्योरी अच्छे से ये पूरा पैन को छोड़ने लगी है, इसका मतलब ये अपने तैयार हो चुकी है। ये थाली में पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, अब मैं इसमें इसको डालती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसे पूरे थाली में फैला लिया है, अब इसे प्लेट कंपाउंड में कम से कम ठंडा होते तक मैं रख देती हूँ। दोस्तों, देखिए 2 घंटा हो चुका है, और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। देखिए कितने अच्छे तरीके से जेली तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं एक बड़े बर्तन में इस तरीके से पलट लेती हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी गाजर का एक नया मिठाई तैयार हो चुका है, और इसे मैं और अच्छे तरीके से डेकोरेट कर छोटे छोटे इसके गोले से कट कर लेती हूँ। मैं कोई भी आप बर्तन लेके इस तरीके से इसके कट कर लीजिए, इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से जेली को कट कर लिया है गाजर की। अब मैं इसमें ऐसे करके, ये मगध की दाल है, इसमें मैं डेकोरेट कर देती हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। 2-3। तो दोस्तों, मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।